सर, रो और कॉलम सीखने के बाद अब रोज एंड कॉलम्स की बात करते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये 1, 2, 3, 4, 5 ये लाइन वाइज जो आपको दिख रहा है हॉरिजॉन्टल वे में, इसे रो कहते हैं, और ये कॉलम है 1, 2, 3, 4। तो इस तरह से ये कॉलम है। तो अभी हम बात कर लेते हैं रोज की। तो अगर मैं रोज की बात करूँ तो ROWS रोज फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो ये लगा लिया रोज फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इन दोनों रोज को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अभी ये आंसर में क्या देगा हमें, अभी ये आंसर में हमें देगा 2। तो यहाँ पे जैसे ही एंटर प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे कि 2 आएगा, ठीक है। इसी तरह से कॉलम की बात करें तो यहाँ पे कॉलम्स का फॉर्मूला लगा लेता हूँ। तो ये कॉलम्स का फॉर्मूला हमने आपको VLOOKUP के साथ भी यूज करके दिखाया है। तो अभी देखिए यहाँ पर अगर मैं इन सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ तो देखिए यहाँ A से लेकर F तक मैंने सेलेक्ट किया है, तो ये काउंट करके बता देगा। एंटर प्रेस करूंगा और अब ये देखिए कि ये 6 बता रहा है, यानी 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। सो इस तरीके से बहुत ही इजीली आप इसको यूज कर सकते हैं। इस फॉर्मूले में आपको ये देखने को मिलेगा कि ये ना तो रोज को काउंट करेगा अगर कॉलम फॉर्मूला है तो, और अगर रोज फॉर्मूला है तो ये कॉलम्स को काउंट नहीं करेगा। तो एक बार फिर देखिए, यहाँ पर रोज लेता हूं मैं, और फिर अगर मैं कॉलम्स को लेता हूं तो इसे कॉलम से कोई भी मतलब नहीं है, ये केवल और केवल रोज को ही काउंट करेगा। तो यहाँ पर एंटर प्रेस करता हूं। आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।